आखिर की पुरानी कहावत है, अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। ये जो आप देख रहे हैं झबरे वालों वाले बोरिसन, इन्होंने अब ऋषि सुनक के साथ भिड़ंत करनी शुरू कर दी है, एक बड़ी अपील डाल दी है। अब अगला पीएम कौन होगा यूके का? जहां एक तरफ ये यूके में तमाशा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच यानी कि अरब देशों के बीच हुआ समझौता। भारत देगा अरब देशों को ईंधन। सुनने में ये बड़ा अजीब लग रहा है ना, जिस देश से हम ईंधन खरीदते थे, पेट्रोल तेल गैस खरीदते थे, अब उसी को हम बेचेंगे। जानेंगे कैसे ये पूरा का पूरा पासा पलट गया है, और वो भी रेफरेंस के साथ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूके में उथल पुथल अभी खत्म नहीं हुई है। हमने आपको कहा था ना, चर्चिल ने जो बात भारत के लिए कही थी, वही चीज अभी भी यूके में चल रही है। अब हो ये रहा है कि मैडम ट्रस्ट तो हट गई, बोरिसन ने ये कह दिया था कि सबको वोट देना लेकिन ऋषि सुनक को वोट नहीं देना, लेकिन वक्त बदला और लीज ट्रस्ट की सरकार चली गई। अब हुआ ये है कि मानसिकता इन लोगों की अजीब सी हो गई है। शायद ये कहीं ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजों पर एक भारतीय मूल का शख्स राज करेगा, जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि ऋषि सुनक के पास प्लान है और उस प्लान के तहत यूके की इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। यूके की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन अब एक अपील कर रहे हैं। ये अपील इन्होंने ऋषि सुनक से किया है। इन्होंने ये कहा कि भैया तुम हट जाओ, तुम मेरा साथ दो और मुझे एक बार फिर से पीएम बनने दो। और इसके लिए तर्क दे रहे हैं आप, क्या तर्क दे रहे हैं कि 2024 में होने वाला है चुनाव और पार्टी चुनाव हार जाएगी, इसलिए अगर मुझे बिठाओगे तो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। वैसे आपको बता दें, जब सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं तो जॉनसन को भी जनता उतना पसंद नहीं कर रही है, और अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कंजर्वेटिव पार्टी में, खुद ही आपस में कुर्सी के लिए ये लड़ रहे हैं और ये चीजें सामने आ रही है, तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि देश का बेड़ा गड़क कर देंगे, इन सबको हटाओ और एक बार फिर से चुनाव करो, फ्रेश चुनाव करके फ्रेश लोगों को लाओ। क्योंकि विपक्षी दल भी बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि इस वक्त इस पार्टी की लोकप्रियता एकदम से गर्त में जा चुकी है। अब विपक्षी दलों की ये मांग और अभी भी लड़ाई जारी है। बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री तुम पीछे घिसक जाओ और मुझे बनने दो पीएम। अब अगले सप्ताह होने वाला है चुनाव और शुक्रवार तक आएगा फैसला। कहा तो ये जा रहा है कि ऋषि सुनक इस चुनाव के रेस में सबसे आगे हैं, पर अब आगे देखिए क्या होता है। क्या भारतीय मूल का होना ऋषि सुनक पर भारी पड़ता है, या इकोनॉमी को बचाने के लिए यूके की संसद इस शख्स को कुर्सी पर बिठाती है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी बड़ी खबर सुनेंगे ना, तो एक बार आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। बरसों से, सालों से हम अरब देशों से खरीदते आए हैं तेल, ईरान से खरीदते आए हैं तेल, और ये वो देश हैं जो हमें तेल बेचकर बहुत मुनाफा भी कमाते रहे हैं। हम अपना 80% ईंधन का खरीद कर ही लाते थे इन देशों से। कई बार इन देशों ने आंखें भी दिखाई, कई बार इन देशों ने नसीहत भी दी, और उस नसीहत को कौन भूल सकता है जब महामारी के बाद भारत के साथ जो बातचीत हुई थी अरब देशों की, सऊदी अरब की, उसे इग्नोर करते हुए प्रोडक्शन को कट किया गया। आपको बता दें, भारत ने महामारी के समय तेल खरीदा था, तब जब उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद थी, भारत ने खरीद खरीद कर रिजर्व किया था, लेकिन उस वक्त सस्ता भी था तेल। भारत ने जब रिजर्व किया था, तब भारत ने ये कहा था कि हम तो अभी आपको इकोनॉमी में मदद कर रहे हैं, लेकिन आप जब सब कुछ खुल जाएगा, दुनिया खुलने लगेगी, तो आप प्रोडक्शन कट मत करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि अर्थव्यवस्था को मौका मिले कि वो स्टेबल हो सके। और जब महामारी के दिन खत्म हो गए और धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं खुलने लगी, तब सऊदी अरब ओपेक देशों ने ये कहा कि नहीं, हम प्रोडक्शन कट करेंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसा ही होने लगा। तब भारत ने जब याद दिलाने की कोशिश की कि तुमने हमें वादा किया था, तब सऊदी अरब ने ये कहा कि नहीं, अगर तुम्हें सस्ता में ही तेल चाहिए तो
तुम क्यों नहीं तुमने जो उस वक्त खरीदा था उस तेल का इस्तेमाल कर लो। ये एक अपमानजनक बयान था जिस पर भारत ने जवाब भी दिया था कि ये डिप्लोमेटिक तरीका नहीं होता है। लेकिन फेर देखिए, इसे कहते हैं किस्मत का फेर, जो सऊदी अरब और मिडल देश दुनिया भर को बेचा करते थे तेल और गैस, उसे खरीदना पड़ेगा भारत से एनर्जी, यानी भारत ईंधन का वो स्रोत बनेगा जिस स्रोत के जरिए इन देशों को मिलेगा उजाला और एनर्जी के साधन। अब हाल फिलहाल में सऊदी अरब और भारत के बीच कई तरह के ट्रेड, व्यापार वगैरह के रिश्ते बढ़ रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, अरब देश, ओपेक के देश अब ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में समय लदने वाला है हमारा तेल और गैस का। तो ऐसे में हम ऐसा करते हैं कि अब अपने व्यापार को अलग अलग जगह पे फैलाते हैं। चलो ठीक है, व्यापार को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह फैला रहे हैं, ये भी सही है, पर एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी के लिए दुनिया भर में एक बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें ये कहा गया, खासतौर पर वो ग्लासगो की मीटिंग, जिसमें ये कहा गया कि दुनिया के देशों को तय करना होगा कि कब तक हम 0% कार्बन वाले देश बनेंगे। अब सऊदी अरब ने कहा ठीक है, हम 2060 तक 0% कार्बन वाले देश बन जाएंगे। भारत ने भी एक समय सीमा तय की, दुनिया के बाकी देशों ने भी समय सीमा तय की। लेकिन 0% कार्बन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब कुछ इस्तेमाल होता है, ये सब बंद हो जाएगा। और ये सब बंद होने के बाद तो फिर एनर्जी का सोर्स कहाँ से आएगा, बल्ब कहाँ से जलेगा, और बाकी इलेक्ट्रिक चीजें कैसे पूरी होंगी, कारखाने कैसे चलेंगे? तो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होगा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ऊर्जा के दूसरे संसाधन हो, इन सभी का इस्तेमाल होगा। सबसे ज्यादा झटका किसे लगा? सबसे ज्यादा झटका लगा मिडिल ईस्ट के देशों को, सऊदी अरब, यूएई को, कि भैया अब तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, ये जो तेल रखा हुआ है ये तेल अब हमारे लिए पानी के समान हो जाएगा, जिसकी बल पे हम सोने की गाड़ियों में घुमा करते थे वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से समस्या ये है कि हमारे कारखाने, हमारी गाड़ियां चलेंगी कैसे? तब इन्होंने ढूंढना शुरू किया, अच्छा कैसे किया जाए, अकेले तो इस काम को किया नहीं जा सकता है, और भारत ने इस तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ा दिया। अब सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्ट के देश, इन्हें चाहिए एक ऐसा भागीदार जो कि महत्वपूर्ण भी हो, जो कि सच्चा भी हो, ईमानदार भी हो, बीच में धोखा न दे। अब इसके लिए इन्होंने भारत के साथ संपर्क किया, और अब भारत और सऊदी के बीच होने वाला है एक समझौता, जिसके तहत भारत से सऊदी के लिए एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। ये एनर्जी पाइपलाइन किधर से जाएगी? तो ये एनर्जी पाइपलाइन भारत का जो ये मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट से ये दुबई के पोर्ट तक जाएगी। वैसे आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि सऊदी यूएई के साथ साथ ओमान को भी अब टारगेट बनाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है एक 1600 किलोमीटर का ये पाइपलाइन बनेगा, दूसरा 1200 किलोमीटर का बनेगा। एक तरफ भारत इधर से जुड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी जुड़ रहा है। मतलब कि पूरी दुनिया को भारत जोड़ रहा है, एक तरफ सूर्य अस्त होगा तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा। इसका मतलब ये है कि 2400 घंटा एनर्जी का सप्लाई बना रहेगा, और भारत इस लोकेशन पर है जो मेंटेन कर सकता है। वैसे ये कर्म का फेर ही देखिए कि किस तरीके से बेचने वाले देश अब खरीदने वाले देश बन रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।